पूरी दुनिया में 2,23,00,000 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित, 7,85,000 से ज़्यादा की मौत। भारत में 27,86,000 से ज़्यादा संक्रमित, 53,000 से अधिक की मौत। बिहार में 1,12,000 से ज़्यादा संक्रमित, 568 की मौत, 84,000 से अधिक हुए ठीक। उत्तर बिहार में सैंपलों की जांच बढ़ते ही तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। 10 दिनों में मुजफ्फरपुर में 1,316 नए केस सामने आ चुके हैं। उत्तर बिहार के अन्य जिलों में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में 300 से 700 तक इजाफा हुआ है। तिरहुत व दरभंगा प्रमंडल में सोमवार तक 21,300 कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। सबसे अधिक मुजफ्फरपुर में 4,434 पॉजिटिव केस मिले। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंप दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जज अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मुंबई पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हर हाल में करना होगा। ग्रामीण कार्य विभाग को 15,000 करोड़ का मिला सौगात। इस रुपये से ग्रामीण सड़क व पुल का उद्घाटन, शिलान्यास और शुभारंभ किया जाएगा। बारामूला में सोमवार को आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवान में से 2 बिहार के। शहीद सीआरपीएफ जवान खुर्शीद खान रोहतास के रहने वाले थे, वहीं शहीद लवकुश शर्मा जहानाबाद के निवासी थे। 2 दिन पहले बारामूला में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए। बिहार में 16 जिले बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, जहां लाखों की आबादी का जनजीवन असामान्य हो गया है। लेकिन कुछ जिलों में बाढ़ की विभीषिका ने लोगों को अति प्रभावित किया है। उन्हीं में से एक जिला है खगड़िया, जहां 7 प्रखंड में 1,50,000 से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हैं। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं, ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों से स्ट्रांग रूम व मतगणना स्थल का प्रस्ताव मांगा है। सूबे में खाद की बिक्री में गलत आधार कार्ड का उपयोग और बिना आधार के लेन देन के बाद अब एक ही आधार कार्ड पर बड़ी मात्रा में खाद की बिक्री का पता चला है। लिहाजा कृषि विभाग ने जिले के डीएम को इसकी जांच का आदेश दे दिया है। बिहार में दूसरे राउंड का कोरोना सीरो सर्वे बुधवार से शुरू होगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली के निर्देश पर राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना के माध्यम से ये सर्वे किया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बसों और कर्मियों ने लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में मदद की। गया समेत मगध प्रमंडल के दूसरे जिलों में भी निगम की सेवाएं मिली, लेकिन इनका बकाया भुगतान कई जिलों में अब तक लंबित है। सहरसा में अवैध हथियार व कारतूस के साथ संवेदक अमोद चौरसिया गिरफ्तार। एक वीआईपी नंबर वाला 4-चक्का भी हुआ जब्त। पूर्वी चंपारण के शिक्षक नेता नवल किशोर सिंह ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए पारित सेवा शर्त व वेतन वृद्धि शिक्षकों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। मोतिहारी में सेक्स रैकेट का हुआ खुलासा। आपत्तिजनक सामान के साथ 2 महिला हुई गिरफ्तार। सहरसा में नाव दुर्घटना में डूबने से 5 वर्षीय बालक अंशु का शव बरामद। परिजनों की चीत्कार से माहौल हुआ गमगीन। सहरसा सदर थाना क्षेत्र के नया बाजार निवासी परिमल किशोर की इकलौती संतान 12 वर्षीय रूपा ने अपने घर में ही फांसी लगाकर कर ली खुदकुशी। सहरसा बस स्टैंड में पुलिस छापेमारी में सहरसा से पटना जा रही 3 बसें हुई जब्त। तो इसी के साथ बिहार दैनिक समाचार का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। फिलहाल सुभाष कुमार को इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे किसी और नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।